हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, क्या आपके कॉइनडिसेस अकाउंट के अंदर ही रेफर एंड अर्न रेफरल प्रोग्राम का ऑप्शन नहीं मिला है? तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आपको किसके वजह से नहीं दिए गए हैं और कैसे आप रेफर एंड अर्न का ऑप्शन ला पाएंगे। 100% सही सॉल्यूशन मैं आपको देने वाला हूँ और गारंटी के साथ मैं आपको विश्वास देता हूँ आपके अकाउंट में रेफर एंड अर्न का ऑप्शन डेफिनेटली आ जाएगा। दोस्तों, मेरे अकाउंट में भी आप देख पा रहे हैं रेफर एंड अर्न रेफरल प्रोग्राम का ऑप्शन नहीं दिखा रहा है। इसका मतलब मुझे भी नहीं दिया गया है, जिसके वजह से मैंने हेल्प एंड सपोर्ट का सहारा लिया और टिकट रेस किया। टिकट में रिक्वेस्ट किया कि मेरे अकाउंट में रेफर एंड अर्न रेफरल प्रोग्राम का ऑप्शन नहीं दिया गया है, प्लीज़ मुझे प्रोवाइड करा दीजिए, जिसमें होगा क्या आपका यूज़र्स भी बढ़ेंगे और मेरा अर्निंग भी इंक्रीज होगा। तो इसके जवाब में Coindesis टीम रिप्लाई दिया और यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे दोनों सॉल्यूशन बताया है। जो मेन टॉपिक है हमारा रेफर एंड अर्न को लेकर, तो यहाँ पे बता रहे हैं व्हाई डोंट आई हैव द इनवाइट एंड अर्न ऑप्शन रेफरल ऑन द Coindesis ऐप। करेंटली वी आर इन द प्रोसेस ऑफ रोलिंग आउट द इनवाइट एंड अर्न ऑप्शन टू ऑल आवर यूजर्स। वर्तमान में हम सभी यूज़र्स को रेफर एंड अर्न ऑप्शन देने के लिए प्रोसेस कर रहे हैं। इन ऑर्डर टू एक्सेस द इनवाइट एंड अर्न ऑप्शन, काइंडली कंप्लीट योर KYC एंड प्लेस योर फर्स्ट ऑर्डर ऑन द Coindesis ऐप। बता रहे हैं इनवाइट एंड अर्न ऑप्शन को एक्सेस करने के लिए आपको KYC नो योर कस्टमर कंप्लीट करना पड़ेगा, उसके बाद आपको Coindesis ऐप के अंदर फास्ट ट्रेड करना पड़ेगा। किसी भी क्रिप्टो करेंसी में आपको ट्रेड करना पड़ेगा। उसके बाद बता रहे वंस द अबव स्टेप्स आर कंप्लीटेड द इनवाइट एंड अर्न ऑप्शन विल बी इनेबल्ड फॉर यू इन द नेक्स्ट 4 to 5 वर्किंग डेज। तो जब आप किसी भी क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करेंगे, उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट 4 से 5 कार्य दिवस में आपका अकाउंट में रेफर एंड अर्न रेफरल प्रोग्राम ऑप्शन इनेबल कर दिया जाएगा, आपको मिल जाएगा। उसके बाद आप अपने अर्निंग को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो कैसे आप Coindesis के अंदर फंड ऐड करेंगे, क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करेंगे, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अकाउंट के अंदर आना है, ऊपर में अवेलेबल टू इन्वेस्ट ऐड फंड्स। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे मिनिमम जो एडेबल अमाउंट है ये दोस्तों 100 रुपीज़, आपको 100 रुपीज़ से शुरुआत करना है। ठीक है, आप रेफर एंड अर्न को इनेबल करने के लिए कर रहे हैं तो आप 100 रुपीज़ से शुरुआत करें। देख पा रहे हैं मिनिमम 100, मैक्सिमम बहुत ज़्यादा है, नहीं बता रहा हूँ। उसके बाद क्या करना है, आपको प्राइस सेक्शन के अंदर आ जाना है। देन यहाँ पे आपको बहुत सारा कॉइन नेम दिखाया जा रहा है, बिटकॉइन, यार्न फिनेंस, इथेरियम, मेकर, BNB, बिटकॉइन कैश, कुसामा, इस तरीके से बहुत सारे कॉइन है, बहुत सारे कॉइन है। ठीक है, अब यहाँ पे देख पा रहे हैं बिटकॉइन का प्राइस चल रहा है 29,75,963 ऐसा कुछ दिखा रहा है, अप डाउन कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि मार्केट ओपन है, राइट। अब बिटकॉइन में कैसे आप इन्वेस्ट करेंगे, आपके पास तो 100 रुपये है, तो क्या करना है, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। देन नीचे व्यू प्राइस चार्ट एंड डिटेल्स, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इस तरह ग्राफ दिखाया जा रहा है, आप कैंडल भी सिलेक्ट कर सकते हो, मार्केट का कंडीशन आप समझ सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपको बाई के ऊपर क्लिक करना है। देन यहाँ पे देखिए एस्टिमेटेड बाइंग प्राइस यहाँ पे शो कर रहा है 29,84,383 रुपीज़, अप डाउन कर रहे हैं। इंस्टेंट मतलब मार्केट प्राइस में अगर आप बाय करना चाहते हो तो इंस्टेंट में रखें, अगर आप लिमिट लगाना चाहते हैं कि भाई इसका जो प्राइस है थोड़ा ड्रॉप हो जाए उसके बाद मैं इसे खरीदूँगा, तो इसके लिए आप यहाँ पर टाइप कर सकते हो 29,75,600। तो 29,75,600 रुपीज़ जब टच करेंगे तो हमारा जो ऑर्डर है एग्जीक्यूट हो जाएगा, राइट। तो मैं इसे
इंस्टेंटली रखता हूँ। उसके बाद यहाँ पे रुपीस, तो जब भी मैं यहाँ पे 100 टाइप करूँगा, क्योंकि मेरे फंड में मान लीजिए 100 रुपये है, तो यहाँ पे फीस लगता है, ऑर्डर एग्जीक्यूट करने के लिए फीस लगता है, और फीस है 0.2%, जिसके वजह से 100 रुपीस प्लस 20 पैसा दिखा रहा है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 99 टाइप करना है, 99 रुपये का ट्रेड करना है, और यहाँ पे 99.20 रुपीस दिखा रहा है। उसके बाद नेक्स्ट करके आप बाय कर सकते हो। फिलहाल मेरे अकाउंट में बैलेंस नहीं है, कैसे करना है मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद 4-5 दिन आप वेट करें, वर्किंग डेज वेट करें, उसके बाद आपके अकाउंट में जब रिफर एंड अर्न का ऑप्शन इनेबल्ड हो जाएगा, उसके बाद इसे आप बेच सकते हो या आप इन्वेस्ट और कर सकते हो, और आप 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए, 10 साल के लिए रख दीजिए, और देखेंगे इसका प्राइस कितना बढ़ गया है, और आप रिटर्न भी पाएंगे, ईयरली आप रिटर्न पाएंगे, उसके बाद इसका प्राइस भी बढ़ जाएगा, राइट। तो इस तरीके से आपको कॉइन डीसीएस के अंदर रेफर एंड अर्न रेफरल प्रोग्राम को इनेबल कराना है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आज के इस वीडियो में आपको बेस्ट सॉल्यूशन मिल गया होगा। तो वीडियो अच्छा लगने में वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते रहूँगा अगले नए वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।